अगर आप भी चाहते हैं फिटिंग पैंट की कटिंग करना वो भी अच्छे तरीके से, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर आपको फिटिंग पैंट की कटिंग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको कपड़े को सीधा करने के लिए फर्स्ट मार्क लगाना है दोस्तों, इस तरह से ये कपड़े को सीधा करने के लिए फर्स्ट मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको पैंट की लेंथ का मार्क लगाना है, 36.5 इंच की लेंथ है तो इस तरह से 36.5 इंच पर मैंने ये मार्क लगा दिया। एंड 2.25 इंच की बॉटम फोल्ड का मार्क लगा देना है आपको। एंड यहाँ पे आपको लटक का मार्क लगाना है, हिप के चौथे हिस्से पे मार्क लगाना है दोस्तों, 37 इंच के दोस्तों हिप हैं तो इस तरह से 2.25 इंच पे मुझे मार्क लगाना है। इस तरह से 2.25 इंच पे मैंने ये मार्क लगा दिया लटक के लिए। हिप के 1/4 हिस्से पर आप मार्क लगा सकते हैं। एंड दोस्तों इस तरह से इस वाले मार्क को स्ट्रेट करना है। एंड यहाँ पर बॉटम वाले मार्क को भी स्ट्रेट कर लेना है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको थाई का मार्क लगाना है दोस्तों, 23.5 इंच की दोस्तों थाई है जिसको रान भी बोला जाता है। इस तरह से 12.5 इंच पे मैंने मार्क लगा दिया, 23.5 इंच की थाई है, 12.5 इंच पे मार्क लगाया, 1.5 इंच बैक करते हुए मार्क लगा दिया। एंड यहाँ पे आपको इसकी थाई का हाफ मार्क लगा देना है, इस तरह से जितना आपने ऊपर लगाया हुआ अभी उसके हाफ पे। एंड यहाँ तक किनार तक नापना है। एंड यहाँ पे भी बॉटम में भी ये मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बॉटम के चौथे हिस्से पे मार्क लगाना है, 3.25 इंच इधर साइड में एंड 3.25 इंच इस साइड में आपको ये मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको राउंड की स्केल का यूज करना है आपको इसकी साइड की शेप देने के लिए। इस तरह से राउंड की स्केल का यूज करते हुए आपको ये मार्क लगाना है। इस तरह से दोस्तों अच्छे से आपको ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पर भी इस साइड में भी आपको इस तरह से स्केल का यूज करते हुए ये मार्क आपको लगा देना है इस तरह से। एंड हल्का क्रॉस करते हुए ये मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इसकी साइड की शेप के लिए आपको मार्क लगाना है इस तरह से। स्केल को रखना है दोस्तों ऊपर 1/2 इंच, आपको इस तरह से इस शेप की देने के लिए आपको ये मार्क लगा देना है इस तरह से। एंड यहाँ पे आपको कमर के चौथे हिस्से पर मार्क लगाना है दोस्तों, 8.5 इंच मैंने मार्क लगा दिया। एंड 1 इंच एक्स्ट्रा आपको मार्जिन के लिए मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इस वाले मार्क को 1.5 इंच वाले मार्क को इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है आपको। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको फ्लाई का मार्क लगा देना है इस तरह से फ्लाई की राउंडिंग के लिए। दोस्तों अगर इस साइड से आप इस तरह से फिटिंग पैंट की कटिंग करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से कमर की डाउनिंग के लिए 1 इंच आप डाउनिंग कर सकते हैं। एंड इस तरह से स्केल का यूज करते हुए मार्क लगा देना है दोस्तों। इसकी कटिंग के बाद अगर आप इसको बना के आप तैयार करेंगे तो इसकी दोस्तों फिटिंग बिंदास आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी फिटिंग में। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। एंड यहाँ पे 2.5 इंच क्रॉस पॉकेट का मार्क एंड 7 इंच की पॉकेट की लेंथ का मार्क लगाना है। इस तरह से पॉकेट के मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको पैंट का मेजरमेंट आपको अब डालना है, 36.5 इंच की लेंथ है तो ये मैंने मार्क लगा दिया। एंड यहाँ पर 34 इंच की कमर है, 23.5 इंच की दोस्तों थाई है, 23.5 इंच पर मैंने थाई का मार्क लगा दिया। एंड 37 इंच के हिप हैं दोस्तों, ये मैंने मार्क लगा दिया। एंड 13 इंच की दोस्तों इसकी बॉटम है दोस्तों, देख सकते हैं हमारे फ्रंट पीस के मार्क लग चुके हैं। चलिए इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए मार्जिन किस तरह में लगाना है आपको, 2.5 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे दोस्तों 1 इंच पे ये मार्क लगा देना है आपको। एंड इस तरह से स्केल का यूज करते हुए आपको ये मार्क लगा देना है।
तरह से आपको ये मार्क लगा देना है मिलाते हुए, एंड ये हल्का क्रॉस का तो ये मार्क लगा देना है। अगर आप मार्जिन रखना चाहें तो मार्जिन लगाते हैं वो मार्क लगा देना है आपको, 1 इंच का मैंने मार्जिन रखते हुए ये मैंने मार्क लगा दिया। एंड दोस्तों इस तरह से मार्जिन वाले मार्क को भी स्ट्रेट कर लेना है दोस्तों। एंड दोस्तों इसकी देख लीजिए कमर का मार्क किस तरह से लगाना है आपको, इस तरह से इंच टेप को आपको रखना है, इस तरह से मिला लेना है आपको इंच टेप को, जितना आया है उतना ही आपको इस साइड में भी इंच टेप को रखते हुए, 14 इंच आया था, 14 इंच पे ने मैंने मार्क लगा दिया, इस तरह से भी आप मार्क लगा सकते हैं। एंड दोस्तों इस तरह से स्केल का यूज करते हुए आपको ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा ये मार्क लगा देना बैक साइड के मार्जिन के लिए। एंड यहाँ पे हिप में मार्क आपको इस तरह से लगाना है, हिप के लिए इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करना है, 1/2 इंच आपको दोनों साइड में मार्जिन निकालते हुए आपको इस तरह से इंच टेप को फोल्ड कर लेना है। एंड दोस्तों फोल्ड करने के बाद आपको इस तरह से हिप के मार्क आपको लगा देना है, जितने हिप हैं आपको मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको 2 इंच का मार्जिन इसमें भी रखते हुए मार्क लगा देना है आपको। एंड दोस्तों इस वाले मार्क को इस तरह से स्ट्रेट करना है, एंड ये मार्क को मार्जिन के लिए लगा देना है आपको, बैक सीट की राउंडिंग का मार्क लगा देना है इस तरह से। दोस्तों हमारे बैक पीस के भी मार्क लग चुके हैं, चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं, मिलते हैं फिर। दोस्तों हमारे फिटिंग पैंट की कटिंग हो चुकी है, मिलते हैं अगली नए वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।